कीजिए हमारे YouTube चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। मेरठ में तीज के त्योहार और हल्की हल्की बारिश की फुहार में महिलाएं और लड़कियां मस्ती में झूम रही हैं। डीजे के सामने डांस हो रहा है और झूले झूल रही हैं। महिलाएं बारिश में भी महिलाएं घर से बाहर निकलकर तीज के त्योहार का आनंद ले रही हैं। इस त्योहार में हर बिरादरी की लड़कियां और महिलाएं हिस्सा लेती हैं और पूरा लुत्फ उठाती हैं। महिलाओं के अनुसार इस त्योहार को महिला अपने पति की लंबी उम्र और लड़कियां अच्छे वर के लिए इस त्योहार को मनाती है। कहा जाता है कि महिला इस दिन व्रत भी करती हैं और अपने मायके से आज के दिन वस्त्र आते हैं और उन्हें आज ही पहनकर इस त्योहार को मनाती हैं। और इस त्योहार को हरियाली तीज के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी और आज ही के दिन माता पार्वती को शिव पति के रूप में मिले थे। उस दिन से आज तक ये प्रथा चली आ रही है। कहा यह भी जाता है कि महिलाएं इस त्योहार की बड़ी बेसब्री से इंतजार करती हैं और सावन का महीना आते ही महिलाएं तीज की तैयारियों में लग जाती हैं। मेरठ से मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट। यही होता है, महिलाओं का होता है, खासकर महिला हो गई, लड़कियाँ हो गई, उनके लिए होता है। उसमें क्या होता है, क्योंकि जैसे नई शादी हुई है तो उनको तीजा से आता है सामान, तो वो पहन उसी सामान को पहनती है ज़्यादातर। जैसे आता रहता है, महिला हो गई, कितने साल शादी हुई है, उनके लिए घर से आता है चूड़ी सब सब सामान, दुल्हन की तरह से। यहाँ पर महिलाएं एंजॉय करती हैं, क्या क्या प्रोग्राम करती हैं? यहाँ पर झूले झूलती हैं, डांस करती हैं, डीजे पे बाजार में मार्केट में शॉपिंग करती हैं, खूब इंजॉय करती हैं, झूले झूलती हैं। महिलाएं यहाँ पर व्रत भी रखती हैं, आज के दिन वो किस देव का व्रत रखती हैं? वो तो इस तीजों महारानी का होता है एक तरह से, कि भाई अपने पति की उसकी लंबी आयु से कामना करती हैं, अपना पति की लंबी आयु के लिए कामना करती हैं, अपने घर वालों से वो आता है उनके लिए कामना करती हैं, उनके इस दिन उनका भैया आता है।